नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा, इस बारे में अभी से कयासों का दौर शुरू हो गया है। लगातार अलग अलग सर्वे में किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बीच टाइम्स नाउ ETG ने भी सर्वे किया है और एक अनुमान लगाया है। टाइम्स नाउ और नवभारत के सर्वे ने सत्ताधारी NDA की सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे की माने तो NDA को वोट फीसदी में 2019 के मुकाबले इस बार काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ETG रिसर्च के साथ किए गए टाइम्स नाउ सर्वे में NDA को 42.60% वोट और इंडिया को 40.20% वोट मिलने का अनुमान है, यानी अंतर कुछ अधिक नहीं है। बता दें, पिछली लोकसभा चुनाव में NDA को 45% वोट मिले थे। इससे साफ है कि इस बार इसे वोटों का नुकसान हो सकता है। वहीं 2019 में अकेले 37% वोट BJP को मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को महज 19% वोट मिले थे। ETG सर्वे के अनुसार वोट फीसदी में तो अधिक अंतर नहीं बताया गया है, लेकिन सीटों में अंतर बताया गया है। NDA को इस बार 296 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2019 के 353 सीटों से कम होंगी। इसके अलावा दो राज्यों में विपक्ष बहुत अधिक सीटों से NDA से आगे रहने वाला है, जिनमें तमिलनाडु और केरल का नाम बताया गया है। तमिलनाडु में तो विपक्ष सफाया कर रहा है, 39 सीटों में विपक्ष 30 से 34 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि NDA गठबंधन 4 से 8 सीटें ही जीत रहा है। इसके अलावा केरल में विपक्ष लगातार 200 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, और अगर NDA को कुछ ले पाया तो एक सीट होगी। इसके अलावा बिहार और महाराष्ट्र में भी टक्कर दिखाई गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में BJP के पक्ष में हवा दिखाई गई है, जो 70 सीटें जी सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने BJP पर बड़ा आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगे करवाना चाहती है BJP। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज पर जिस तरीके से सरकार ने अन्याय और अत्याचार किया है, वैसा उन्होंने अब तक नहीं देखा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि BJP मध्य प्रदेश में दंगा कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ठीक उसी तरह दंगा कराया जा सकता है जैसा हरियाणा के नूह में करवाया गया था। BJP समझती है कि आज हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या कोई और गांधी या कोई और व्यक्ति हो। अधीर रंजन ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इतने ही बेफिक्र रहते हैं तो फिर उनकी पार्टी में इतनी चिंता क्यों है कि उनके सामने कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा। जब से राहुल गांधी के अमेठी की लड़ने की चर्चा हुई है, तब से ट्विटर पर अमेठी ट्रेंड कर रहा है। हालांकि अभी तक इस खबर पर स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोली है। इस बीच शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो दोनों, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अमेठी और बनारस से चुनाव लड़ती हैं, तो उनकी जीत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा कांग्रेस नेता लगातार अमेठी पर बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि अमेठी राहुल गांधी की स्वाभाविक सीट है, लेकिन वो वायनाड से भी लड़ेंगे क्योंकि संकट के समय वायनाड ने उनका साथ दिया था। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो PM मोदी को गुजरात वापस जाना पड़ेगा। राशिद अल्वी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरी BJP नेताओं से गुजारिश है कि वो उन्हें भागने ना दें। उनसे कहें कि आप मंत्री भी हैं और सांसद भी, आप अमेठी से मुकाबला कीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शनिवार की सुबह लद्दाख में स्पोर्ट्स बाइक चलाते दिखाई दिए। अपने बाइक राइडर लुक से उन्होंने लोगों को चौंका दिया है। लद्दाख के दुर्गम रास्तों से होकर जाने वाली बाइक रैली में हिस्सा लेकर उन्होंने अपना दमखम दिखाया। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बाइक चलाते हुए फोटो पोस्ट किए हैं। इसमें दिख रहा है कि वो हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे हैं। अपने इंस्टा पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं पेंगोंग झील के रास्ते में हूँ, जिसके बारे में मेरे पिता कहा करते थे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के अपने दौरे पर हैं। वो गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे। शुक्रवार को वो लद्दाख के एक फुटबॉल मैदान में स्थानीय लोगों के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखते हुए मीडिया के सामने आए थे, जहां बच्चों और युवाओं से बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे।
भारत में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इसके जरिए लोगों का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाया जा रहा है और प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा, G20 का गठन 1999 में हुआ था। 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं। इसके गठन से लेकर अब तक बारी बारी से 17 देशों में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अब भारत का नंबर है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि G20 के आयोजन को चुनावी कैंपेन बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ इसे लेकर जिस तरह का चुनावी कैंपेन चलाया जा रहा है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा किसी भी दूसरे देश में नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और अजीत पवार की बैठकों ने जहां राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दिया है, वहीं विकास अघाड़ी में भी उनके सहयोगियों के बीच चिंता बढ़ गई थी। हालांकि पवार ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि वो कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए एमवीए में कुछ लोगों ने उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। अब संजय राउत ने कहा है कि एमवीए एकजुट है और शरद पवार कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, मैं कह सकता हूं कि शरद पवार की अजीत पवार से मुलाकात का एमवीए और इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शरद पवार के समर्थन के बिना अजीत पवार का कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जीत का मामला एकनाथ शिंदे और अन्य लोगों के समान है जो अविभाजित शिवसेना से अलग हो गए थे। उनके पास क्या ताकत है? इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में जब संजय राउत से सवाल पूछा गया कि अजीत पवार ने एनसीपी को क्यों तोड़ा, इसके जवाब में संजय राउत ने कहा कि उसी कारण से जिस कारण से एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना को तोड़ा। उन्होंने कहा, जैसा कि शरद पवार ने हाल ही में कहा, ईडी तय करता है कि कौन सा नेता रहेगा, कौन सा नेता हट जाएगा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने वाले विधायक समंदर पटेल फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। समंदर पटेल ने पार्टी में वापसी करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी में घोटन हो रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने विधानसभा क्षेत्र जावद से राजधानी भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में इस्तीफा देने के लिए 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 3 सिंधिया समर्थक इसी तरह शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस में गए। 14 जून को विश्वपुरी से बीजेपी नेता बैजनाथ सिंह यादव ने सिंधिया से रिश्ता तोड़ा था और 700 कारों की रैली लेकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं 26 जून को शिवपुरी के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता भी इसी तरह कार रैली करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। 14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शिव मंदिर बाबड़ी के पास हुए हादसे में अब तक 16 शव मिल गए हैं। इस घटना में करीब 21 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई थी। अभी भी 4 से 5 और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इनकी तलाश आज 6ठे दिन भी जारी है। इस घटना स्थल पर भारतीय सेना, NDRF, SGRF, पुलिस, होमगार्ड और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता, जब तक इस मामले में किसी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन या उसकी ओर से सक्षमता की कमी का मामला पहली नजर में ना बनता हो। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट के 1 अगस्त के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने सरकार को ऐसा करने की अनुमति दे दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना को आवश्यक और अनिवार्य बनाया था। लाइब्लॉग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और अश्विन भट्टी की बेंच ने इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक पहली नज़र में कोई उल्लंघन का मामला ना हो, हम कुछ भी नहीं रोकेंगे। कुछ कानूनी मुद्दे हैं जिन पर बहस हो सकती है, कवायद पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो बिहार सरकार को बिहार जाति जनगणना के आंकड़े या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से तब तक नहीं रोक सकता है जब तक किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार प्रभावित होगा, क्योंकि सरकार की ओर से केवल संचयी डेटा जारी किया जाएगा, प्रत्येक प्रतिभागी से संबंधित व्यक्तिगत डेटा नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी पूछा कि क्या ये प्रतिभागियों की गोपनीयता का उल्लंघन है, जब बिहार जैसे राज्य में जाति सर्वेक्षण किया जाता है जहां हर कोई अपने पड़ोसियों की जाति जानता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।